हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि इनकी निगाह एक चूटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम इसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चूटी पानी के करीब पहुंच गई तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चूटी अपने दाने के साथ इस मेंढक के मुंह में चली गई। मेंढक ने अपना मुंह बंद कर लिया और चूटी को पानी के अंदर ले गया और काफी देर तक पानी में ही रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखते रहे। थोड़ी देर बाद मेंढक पानी से बाहर निकला, अपना मुंह खोला तो चूटी बाहर निकली, अलबत्ता इसके साथ दाना ना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी को बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। इसने बताया कि ए अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहां पर पैदा किया है, वो वहां से रोजी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी रोजी का वकील बनाया है, मैं इसकी रोजी को उठाकर ले जाती हूँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मेरे लिए मुंतखब किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपना मुंह बन पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है, मैं उस पत्थर में दाखिल हो जाती हूँ, उनकी रोजी उन तक पहुँचा कर मेंढक के मुंह में वापस आ जाती हूँ तो मेंढक मुझे खुशकी पर वापस छोड़ देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने इन कीड़ों की कभी किसी तस्बीह को सुना है? चूटी ने बोला, हाँ, वो सब कहते हैं ऐ वो जात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता, तेरा शुक्रिया।